नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक अडवाणी होम्योपैथिक वाइंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कशन करूंगा आपसे एनोरेक्सिया, आम भाषा में कहें तो लैक ऑफ एपेटाइट या लॉस ऑफ एपेटाइट कहलाता है ये, भूख न लगना। इसके कारण, इसका होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, ये क्यों डेवलप होता है, सारा कुछ मैं आपसे ब्रीफली डिस्कशन करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। सो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफी यूजफुल वीडियो है। और जिन किन्हीं ने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी स्क्रीन के राइट साइड में एक रेड कलर का बटन दिया हुआ है, उसे केवल दबाना है, पुश करना है, और उसके पास में एक घंटी नुमा आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन बोलते हैं उसे आप पुश कर लीजिए। उससे होगा ये कि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपना रिगार्डिंग होम्योपैथिक नॉलेज के अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और किसी के पास भी वो वीडियो नहीं शेयर होगा। सो स्टार्ट करते हैं एनोरेक्सिया, भूख न लगना। ये आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एनोरेक्सिया किसी तरह की डिजीज नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम है। ये कुछ एक कारण या कुछ एक डिजीज होती है जिसके कारण ये एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो जाता है। इसे नर्वोसा भी कहते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं इसे। तो एनोरेक्सिया आपको समझ में आ गया, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ एपेटाइट, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम जिसकी वजह से काफी कुछ डिपेंड करता है डिजीज पर। तो आइए अब इसके कॉजेज बता देता हूं मैं, किन किन कारणों से एनोरेक्सिया डेवलप होता है। सबसे टॉप मोस्ट कारण आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक में किसी तरह की कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए। एग्जांपल के तौर पर किसी को सीलिएक डिजीज है आंतों से रिलेटेड, किसी को क्रॉन्स डिजीज है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन आंतों में हो गया है, सूजन हो गई है, तो ये इन कारणों से भी भूख नहीं लगती है, तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण आता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज एक बहुत बड़ा कारण है जो रोल प्ले करता है एनोरेक्सिया डेवलपमेंट होने का, क्योंकि कब्ज के दौरान क्या होता है कि जो हमारा मल होता है, स्टूल होता है, वो आंतों से चिपक जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर आंतों से बिल्कुल चिपक जाता है, तो क्लियरेंस, बाउल क्लियरेंस नहीं होने के कारण भूख नहीं लगती है, तो एनोरेक्सिया उसे कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट का सीधा साधा कारण है। तीसरा कारण आता है हम लोगों के पास में एंग्जाइटी या स्ट्रेस, स्ट्रेस टेंशन किसी भी मैटर में हो सकता है, फैमिली मैटर में हो सकता है, आपके जॉब को लेकर हो सकता है, बिजनेस रिलेशन में हो सकता है, तो स्ट्रेस अगर ज्यादा ले लेते हैं तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, इट्स कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा टर्म, तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है, इसलिए स्ट्रेस टेंशन भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इसके अंदर। चौथा कारण आता है एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण भी एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो सकता है। पांचवा आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, छठा आता है लीवर फंक्शन डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, अगर आपके एसजीओटी और एसजीपीटी अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो भी एनोरेक्सिया, इसके लिए एनोरेक्सिया डेवलपमेंट बिल्कुल हो सकता है, भूख नहीं लग सकती है। और एंटीबायोटिक्स अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स यूज अगर आपने किसी डिजीज के लिए कर लिए हैं तो उसमें भी भूख न लगने का शिकार हो सकता है। और एक जो है डाइटरी फैक्टर, जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, ये सब चीजें हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, तो ये सभी जो सारे फैक्टर्स हैं ये मिलकर एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और लैक ऑफ एपेटाइट बिल्कुल बनाते हैं। अब इसके ज्यादातर कोई क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स है नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक सिम्टम है, फिर भी आप जैसे नोटिस करेंगे तो इसमें एक तो भूख न लगना तो सबसे बड़ा कारण है ही। अगर कोई पेशेंट थोड़ा सा खाना खा लेता है तो उसका पेट जल्दी भर जाता है, पेट फूल भी जाता है, खून की कमी आती है, डकारें आती हैं, बॉडी पूरी लिथार्जी हो जाती है, फटीग मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस, डलनेस, हैवी बॉडी महसूस होती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में, लॉस ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ एपेटाइट में देखने को काफी मिल सकता है, कॉमन सिम्टम्स हैं इसके, इससे आप थोड़ा सा, और बॉडी भी पेल, पूरी पीली बॉडी आप महसूस करेंगे, कुछ पेशेंट बिल्कुल ही फैट हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही पतले दुबले हो जाते हैं, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। अब आते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूंगा अल्फा अल्फा मदर टिंचर, ये आपका मसल गेन, वेट गेन और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम भी सुचारू रूप से करेगी, सुपाच्य बनाएगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो ऐसा 20-20 बूंद करके एक चौथाई कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरा मदर टिंचर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है जेंटियाना ल्यूटिया, जी हाँ नोट कर लीजिए दोनों को, अल्फा अल्फा मदर टिंचर एंड जेंटियाना ल्यूटियाना, इसको आप मिक्स करके 20-20 बूंद दोनों को दिन में 3 बार आप बिल्कुल ले, काफी फायदा होगा। और तीसरी मेडिसिन है नेट्रम्फोस-6X, ये लिवर बेस मेडिसिन है, काफी इम्प्रूव करती है आपका डाइजेशन, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। चौथी आती है चाइना ऑफिसिनेलिस एंटीम क्रूड 200, चाइना 200 हो गई,
और नक्सवोमिका 200, लाइकोपोडियम 200, तो ये काफी मेडिसिन है। आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसके डोजेस वगैरह कैसे क्या लेना आपको सब बता दूंगा, इसको आप बिल्कुल देखिएगा। और जो डाइट आपका है मैनेजमेंट उसको मैं बता देता हूँ। एक तो प्रॉपर और बैलेंस डाइट लें आपकी, उसमें कितना सैलरेट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट जाएगा, ये आप बैलेंस करके लें। और एक शेड्यूल पे आप लें अपना खाना, सुबह का नाश्ता 10 बजे तक कर लें, दोपहर का खाना 2 बजे तक, और 9 से 10 के बीच में रात का खाना हो जाए, डिनर आपका हो जाए, तो काफी फायदा होगा। ये एनोरेक्सिया जैसी चीज तो आपके आगे भटकेगी भी नहीं। तो मेरा यही कहना है कि बैलेंस डाइट करें, जो आप खाने में ले रहे हैं उसमें अच्छी अच्छी चीजें लें, हरी सब्जियां लें, सैलड वगैरह यूज करें, तो काफी इंप्रूवमेंट आएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा। तो बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और बने रहिएगा मेरे साथ में होम्योपैथिक वाइंस में, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जिन किन्हीं लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।